डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ के पांचवें चैप्टर की स्टोरी, जिसका पहला पार्ट है ये, जिसका टाइटल है टॉर्च वियरर्स यानी मसाल धावक। ये कहानी W.M. रायबर्न के द्वारा लिखी हुई है। तो वास्तव में ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम देश की उन्नति के बारे में सोच सकते हैं या कैसे हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत शताब्दियों पहले एक वृद्ध व्यापारी रहता था। उसने अपना संपूर्ण जीवन माल को खरीदने, यानी व्यापारी था तो माल खरीदता बेचता था, तो माल को खरीदने बेचने में उसने अपना पूरा जीवन लगाया और बहुत सारा परिश्रम किया, तो जिस कारण से उसने बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो वह और भी धनवान हो गया। अब एक दिन उसे उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसे अचानक ये एहसास होता है कि वह इस संसार में और अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। तो उसे इस बात की चिंता होती है कि वह अपने धन का क्या करे, यानी इसको कैसे बांटे या किसको दे, क्योंकि उसके दो पुत्र होते हैं। तो वह फैसला ये करता है कि वह अपना पूरा धन एक किसी एक पुत्र को देगा, दोनों में नहीं बांटेगा, और उस पुत्र को देगा जो अपने को दूसरे से अधिक बुद्धिमान सिद्ध कर दे। तो फिर क्या होता है, लेकिन अब उसके पास यह समस्या होती है कि दोनों पुत्रों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। तो इसके लिए वह व्यापारी अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय करता है और वह दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर दोनों को एक एक, एक रुपए देता है और कहता है कि तुम एक रुपए से कोई ऐसी वस्तु खरीदो जिससे मकान को पूरी तरह भर सके, यानी एक रुपए से ऐसी चीज खरीदना है जिससे मकान पूरी तरह भर जाए, और हाँ, एक से अधिक रुपया खर्च नहीं करना है। तो इस प्रकार की ये शर्त उसकी रहती है। अब वे दोनों पुत्र अपने पिताजी की ओर, जब पिताजी उसके इतना कहते हैं तो वे ऐसे देखते हैं जैसे कि पिताजी की बुद्धि नष्ट हो गई हो, और वे मन में सोचते हैं कि आखिर एक रुपए से ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जिससे मकान भर जाए। तो वे उन रुपयों को उठाने के लिए अब अनिच्छुक हैं, यानी उठाना नहीं चाहते हैं, वे जानते हैं कि एक रुपये में कुछ नहीं आएगा, यानी अब क्या होता है। लेकिन जो वृद्ध व्यापारी है, जो उनका पिता है, उन दोनों पर जोर डालता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अधिक समय मत बिताना, यानी अधिक समय मत लगाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से दोनों इस काम में सफल हो जाओगे। अब क्या होता है, वे दोनों एक एक करके निकलते हैं। तो दोनों भी अपना पैसे, पहले जो एक रुपये वो देता है वो उठाते हैं और चल देते हैं। अब प्रथम जो नवयुवक, यानी जो पहला लड़का होता है, जो पहले जाता है, वो बाजार में घूमता है, पर उसे कोई भी, बाजार जाता है वो, तो बाजार में घूमता है, उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिलती जो उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, अर्थात उससे वो पूरा घर भर सके। वह पूरे दिन बाजार में घूमता रहा, सब दुकानों में खोजता रहा, किंतु उसे कुछ नहीं मिला। उसे यह भी लगता है कि पिताजी के दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, शायद पिताजी पागल वागल हो गए हैं, तो शायद, और ऐसा सोच के वो निराश हो जाता है। तभी उसे घास से लदी हुई एक बैलगाड़ी मिली और उसे कुछ, अब बैलगाड़ी देखकर उसे कुछ आशा होती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शायद अब इससे उसका पूरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उसको ये संदेह भी होता है कि एक रुपए में सूखी घास आएगी भी तो कितनी आएगी। तो अब क्या होता है आगे कि वह बैलगाड़ी के चालक के पास जाता है और सूखी घास के मूल्य को पता करता है कि आखिर वो कितने बेचना चाहता है। लेकिन कीमत को लेकर दोनों पर फिर बहस होती है, काफ़ी समय तक सौदेबाजी होती है, और आखिर में वह एक रुपए में सूखी घास के बोझ को खरीद लेता है। अब चूंकि उन दिनों की बात है जब एक रुपए में बहुत कुछ आ जाया करता था, अब वो क्या करता है, वह उस घास की गाड़ी को अपने पिता के घर पर ले जाता है और घास के ढेर को मकान में भरता है, लेकिन सारी घास मकान को भरने में ही खत्म हो जाती है, अर्थात भर ही नहीं पाती, केवल फर्श ही भर पाता है। तो अब ये तो हुई पहले की बात। अब जो दूसरा लड़का होता है, वो जाता है। तो दूसरा लड़का
जब रुपए लेकर अपना जाता है बाजार में, तो वह सीधा एकदम से बाजार में नहीं जाता, बल्कि बाजार जाने से पहले वो किसी स्थान पर रुक जाता है, एक जगह बैठ जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या खरीदा जाए। और बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है और वह अपने रुपए को लेकर वह शीघ्रता से बाजार जाता है और एक दुकान से मोमबत्तियां खरीद लेता है, और वह उन मोमबत्तियों को लेकर अपने पिता के मकान पर जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे अपना भाई दिखाई देता है जो निराशा में बैठा होता है फर्श पर, क्योंकि उसकी घास पड़ी होती है और पूरा घर फिर भी नहीं भर पाता है। तो अपने भाई को वो उदास देखता है, तो उसी समय अंधेरा भी हो जाता है और रात्रि भी होने वाली होती है। तो अब क्या होता है, वो अपनी मोमबत्तियां दो दो तीन मोमबत्तियां हर एक कमरे के मतलब कमरे में भर देता है, रख देता है कोने में, और उन्हें जला देता है। और सारा तो उसके जलाने पर ही पूरा मकान प्रकाश से भर जाता है, और उनके पिता उससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि उस बालक के यानी उस व्यक्ति के पिता उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो वास्तविक बुद्धिमत्ता का यहाँ परिचय देता है। और उसके पिता उससे कहते हैं कि तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है, इसलिए अब मैं पूरा धन केवल तुम्हें ही दूंगा। तो ये तो ही कहानी के एक दृष्टिकोण की बात। अब इसमें जो शिक्षा है वो क्या है उसको समझें कि अब मान लीजिए हम एक बड़े मकान में रहते हैं जिसको हम देश कहें, जैसे कि हमारा देश जिसे हम अपनी मातृभूमि भी कह सकते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ रुपए दिए गए हैं, वास्तव में किसी को 1 रुपया, किसी को 2, तो किसी को 3 और किसी को 4 रुपए दिए गए। यानी अलग अलग, ये रुपए वास्तव में रुपए नहीं है, ये वस्तुएं, इनसे वस्तुएं नहीं खरीद सकते, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, ये टैलेंट है, ये हमारे गुण हैं जो हमें ईश्वर द्वारा या हमारे माता पिता द्वारा प्राप्त हुए हैं। और हम में से प्रत्येक को ये जो शक्तियां हैं, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे वो चरित्र की शक्ति हो, हम में से प्रत्येक प्रत्येक के पास ये शक्तियां हैं। शक्ति है, समय है, बुद्धिमत्ता है, सब कुछ है। अब जिनका हमें प्रयोग करना है, वो भी देश के हित में। अब मान लीजिए जब हम स्कूल से बाहर जाते हैं, यानी पढ़ाई स्कूल की पूरी करते हैं और संसार में प्रवेश करते हैं, यानी संसार में आते हैं, घर गृहस्थी का काम संभालते हैं, शादी ब्याह होता है, तो हमारी जो परीक्षा ली जाती है वो परीक्षा ये होती है कि हम किस प्रकार से अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। तो क्या अब हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन इस प्रकार से करेंगे कि निरर्थक घास खरीदने में, या फिर हम इस प्रकार से करेंगे कि जैसे दूसरे लड़के ने प्रकाश फैलाने में मोमबत्ती के रूप में अपना पैसा खर्च किया, यानी अपना पैसा मोमबत्ती खरीदने के लिए खर्च किया। तो इस प्रकार से इसमें ये जो डिफरेंस है, एक घास खरीदता है जो बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है, एक खरीदता है मोमबत्ती जो बुद्धि और शक्ति और समय का सदुपयोग है। तो ये हमें तय करना होता है कि आखिर हम किस प्रकार का बनना चाहते हैं, पहले पुत्र की भांति या दूसरे पुत्र की भांति, ये हमारे ऊपर निर्भर है पूरी तरह। तो इसी प्रकार से यदि हम दूसरे पुत्र की भांति बनेंगे तो अपने देश और संसार का कल्याण कर सकेंगे, और जिससे हमारा देश भी उन्नति करेगा और हमें इस टाइप से हम अच्छे नागरिक होने का भी प्रमाण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो हमें ये संदेश देता है कि हम अपने गुणों को कैसे विकसित करें, कैसे हम अपने देश और दुनिया का कल्याण कर सकें। तो ये जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।